क्वेश्चन 14 देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारे पास फंक्शन है और ये किन इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही मैं निकालना बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। 6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। इसके फैक्टर्स भी कर लो, आप इसके फैक्टर करोगे तो x² माइनस x माइनस 6, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। x कॉमन लिया, x माइनस 2, 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, यानी 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। तो x की क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, एक तो आएगी माइनस 2 और एक आ जाएगी 3। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज हमने निकालनी है, डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के बराबर रखना है और x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हेन, सबसे छोटी वैल्यू व्हेन x इज लेस देन माइनस 2, जब x लेस देन माइनस 2 है तो f डैश x का साइन चेक कर लो, माइनस 2 से छोटा मतलब माइनस का 2.1, उससे बिल्कुल छोटी वैल्यू। अब माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, तो यहां देखिए माइनस का 2.1 यहां रखोगे तो 6 तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का 2.1 यहां रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5.1 यानी ये नेगेटिव, और यहां पर आएगा माइनस का 0.1 यानी ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स हो गया इंक्रीजिंग, तो यहां पे आप लिखेंगे सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां पर, माइनस 2 से छोटी वैल्यूज पर, यानी कि माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब अगला स्टेप क्या है कि माइनस 2 से और नेक्स्ट वैल्यू तक लो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड लेस देन 3। तो अब आप क्या करो कि लेस देन 3 एक छोटी वैल्यू ले लो, यानी 2.9, तो 6 तो पॉजिटिव रहेगा, 2.9 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा एंड ये आएगा पॉजिटिव, ओवरऑल हो गया नेगेटिव यानी लेस देन 0। और एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 आ जाए दैट मींस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां पर, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस 2 to 3, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आगे चेक करना है, देखो माइनस 2 से छोटी के लिए चेक कर लिया, माइनस 2 से 3 के लिए चेक कर लिया, अब 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3, एफ डैश एक्स, भाई देखो ये भी पॉजिटिव, 3 से बड़ी यानी 3.1, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कहां पर, 3 टू इंफिनिटी के अंदर। आई रिपीट माई वर्ड्स, माइनस 2 से लेस के लिए चेक किया तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, फिर इन दोनों के बीच में चेक किया और फिर 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, और केवल साइन को चेक करना होता है, वैल्यू नहीं निकालनी होती। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास होता है, और यहां हमें ये वैल्यू मिल गई है।